चुनाव हुए पहली बार बीजेपी को हरा के मुझे आपने भेजा और नहीं, यहाँ तो गढ़ माना जाता है, इसीलिए आप बता रही है। ये बात मैं आपको फिर जगा रहा हूँ आज, और मैं राजनीति की बात नहीं करने का, अपनी अपनी ताकत पहचानना चाहते हो, अपनी ताकत को एहसास कराना चाहते हो तो राजनीति में अपनी ताकत बटन दबाने के समय सही इस्तेमाल करना सीखो। किसान पूरे देश का परेशान है, इनकी नीयत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसान विरोधी सरकार है। पूरे देश में जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण उद्योग के नाम पे किया जा रहा है। अच्छा, लोग ये चाहते हैं पीछे कि किसान को चार गुने का लाभ ना मिले, इनका सर्कुलेट की समीक्षा होनी चाहिए, चार गुने का मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, और एक जो मानक बनाया था, एक कानून बनाने की बात हुई थी जो लोकसभा राज्यसभा मैंने उठाया भी था लोकसभा में, और जिस तरीके से यूपीएसआईडीसी ने अभी जो हमारी नेशनल हाईवे है जितना मुआवजा अगर उसने एनएचआई से लिया है वही किसानों को दे देंगे तो उस पर भी सहमत है तो क्या परेशानी है। जेवर एयरपोर्ट पर भी किसानों के साथ जबरदस्ती की जाती है। इससे एक बात स्पष्ट है कि प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो किसान विरोधी है, किसानों का कोई उनको लाभ नहीं देना चाहते हैं, केवल झूठ बोलकर धर्म और जाति की राजनीति कर